मैं जा रहा हूँ माँ। रुक, बैठ। ये दो शादी का क्या चक्कर है? देख माँ, ये जो दो लड्डू चढ़ा दूंगा ना माँ, दो शनि महाराज के, दो हनुमान जी के। लड्डू? हाँ वो लड्डू हाँ चढ़ा देना। हाँ, किस बात के लड्डू चढ़ा रही है मम्मी जी? इस घर की सुख शांति के लिए और इसकी सद्बुद्धि के लिए। सद्बुद्धि की जरूरत तो सबको है ना मम्मी जी। हाँ, तो तेरे लिए भी दो लड्डू चढ़वा दूंगी। हाँ? मुझे पता है किस लिए लड्डू चढ़ रहे हैं। जरूर उस बुड्ढे के लिए मन्नत मांगी होगी। आशीर्वाद दे माँ, आज तक हादसों में अच्छे काम होते आए, आज अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, कोई हादसा ना हो जाए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, बस एक बात का ख्याल रखना, किसी औरत का दिल और किसी औरत का घर मत तोड़ना। तेरे इसी वचन के चक्कर में शादी के 28 वचन निभाने की नौबत आ गई माँ। शादी के 28 नहीं, 7 वचन होते हैं। हाँ, तो जो आदमी 4 गुना प्यार करता है उसके लिए तो 7 चौके 28 हो गया ना। क्या 4? देखा मम्मी जी, इसलिए तो कहती हूँ भगवान है सपति सबको दे। दे रहा है भगवान, धीरे धीरे करके सबको दे रहा है। चलता हूँ माँ। बाय बाय डार्लिंग। बाय। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। एक्सीडेंट वाली शादी पे तू टाइम पे पहुंच जा। और ये टाइम लिया तो लेट। अबे छोड़ दो यार, दीपिका कहाँ है? वो इधर ही थी यार, अपने गवाह को लेने गई। भाई मर गए। क्या हुआ? उधर देख। माँ की आंख, ये चारों एक दूसरे से कैसे मिल गई? अरे मुझे क्या पता यार। एक काम कर, मैं निकलता हूँ, तू संभाल लेना। तो मुझे हमेशा क्यों फंसाते? बोल देना गवाह का एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, कुछ भी बोल देना। मैं क्या बोलूंगा? नहीं नहीं, तू वहाँ पे जाके सब संभाल, मैं यहाँ पर सब समझा दूंगा उनको, वो सब समझ जाएंगे यार, मुझे पता है ना, उन पे भरोसा है मेरे को। क्या हुआ करण? मैं करता हूँ भाई, वो दीपिका एक्चुअली। अरे करण, तुम यहाँ? अरे आप तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे ये तो हमारी बिल्डिंग में ही रहता है। हाँ, और हमारे हस्बैंड की लीगल मैटर्स भी यही देखता है। भाभी आपके हस्बैंड को क्या, मैं तो इनके होने वाले हस्बैंड को भी बचाता हूँ, अब मेरा मतलब उनका टैक्स बचाता हूँ, मेरा तो काम ही ऐसा है ना। लेकिन कुमार आया क्यों नहीं अब तक? वो एक्चुअली ना, उसका मेरे को फोन आया था, उसका जो गवाह है ना वो थोड़ा सा गाड़ी के नीचे आ गया। क्या? हाँ, और वो कुमार भी उसके साथ ना हॉस्पिटल में ही है, लेकिन ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ना। नो नो, अब जब इमरजेंसी आ गई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या एक्चुअली इनफैक्ट मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, उसने अपनी शादी से ज्यादा किसी की जान बचाना जरूरी समझा। मैं तो कहूँगी भगवान ऐसा पति सबको दे। वो जरूर देगा, वो देते ही देता है, मुझे पता है। मैं क्या कह रहा था कि वो आपकी शादी की 2 दिन बाद की डेट ले लेता हूँ, है ना, ठीक रहेगा ना? हाँ, आई थिंक दैट्स परफेक्ट, और उसी डेट पे हम सब भी आ जाएंगे, है ना? एब्सोल्युटली, या श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके दीपिका, टेक केयर, हाँ, बाय बाय। आइए आइए भाभी जी, आइए आइए, चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है आपने गलत सुना होगा, 2 शादी करने के बाद तीसरी शादी थोड़ी करेगा, बेटा है हमारा, कोई सांड थोड़ी है। अरे मैं सच कह रहा हूँ रुक्मणी, वो यहीं आया है, वहाँ जाके पूछ ले। मम्मी जी, बाऊ जी, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई साहब, यहाँ पे शादी किस कमरे में होती है? ये दोनों शादी कर रहे हैं? कितनी जल्दी है दोनों को, एक दिन में प्यार हुआ और दूसरे दिन शादी करने कोर्ट पहुँच गए। अंजलि, जिस स्पीड से ये दोनों जा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि तेरे बच्चे से पहले तेरे हस्बैंड के भाई बहन ना हो जाएं। हे भगवान, मैं जाके किशन को बताती हूँ। हाँ, और मैं राम को बताती हूँ। पंडित जी, आपके स्लो मोशन में काम करने के चक्कर में ना मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी हाथ बढ़ाइए, थोड़ा चाहिए शमश। भाई भाई भाई, क्या कमाल की थीम सोची है तूने, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है यार। सुबह से 2 भाभियों ने तो मुझे किसी दे दिया अपना पति समझ के, किसी का बाप नहीं पहचान सकते यार, असली दूल्हा कौन है? अरे कहां गया कुमार, ये इतने सारे गधों को दूल्हा बना रखा है इसने। कुमार सॉरी सॉरी मिस्टर कुमार। अंकल, आपका दूल्हा वहां है। अरे क्या अजीब सी थीम रखी है, कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता। पापा मैं यहां हूं। देखा, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। अरे अच्छा है दुल्हन घूंघट में नहीं है, नहीं तो 40 थप्पड़ खा चुका होता सुबह से। पापा, इससे पहले कि और दुल्हन आए, आप मेरे वाली दुल्हन को बुलाइए ना प्लीज। अरे बेटा, इसीलिए तो आया हूँ। दीपू तुम्हें कब, ये देखो दीपू। ए दीपू, बेटा ये रहा कुमार। बेटा कुमार, तुम्हारे माँ बाप भी इस शुभ अवसर पर आ जाते तो कितना अच्छा लगता। वो तो आने ही चाहते थे, लेकिन उनके जोड़ों में दर्द। एक्चुअली
जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया है कि दर्द हरनिया तक चला गया है और वो उसी की वजह से ना चल फिर भी नहीं सकते जी। हमें कौन सी परेड करवानी थी उनसे? आराम से सोफे पे बैठ के बेटे और बहू को आशीर्वाद दे देते। पर पापा वो बैठ भी नहीं सकते, एक्चुअली कुछ दिनों से उनकी पाइल्स में सूजन आ गई है। पाइल्स में सूजन? लेकिन हमने तो सुना था कि गांव के लोग बड़े तंदुरुस्त होते हैं। ठीक सुना है तुमने, देसी घी खाते हैं, मौज बनाते हैं। ब्रिजमोहा। मां और बहू जी इनको कैसे जानते हैं? मुझे नहीं पता यार। बधाई हो। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई सर। आप आई बहुत अच्छा लगा। आपके आने से दीपू को माँ का भी आशीर्वाद मिलेगा। आइए ना, आइए आइए बेटा, पाँव छुओ पाँव छुओ। नमस्ते, खुश रहो बेटा। ये है मेरे बचपन का दोस्त ब्रिज मोहन। और ये है मेरा होने वाला दामाद। पाँव छुओ बेटा। जीते रहो बेटा। लड़का बड़ा संस्कारी है। बड़ा संस्कारी है। अरे तेरा बेटा भी तो इसी शहर में रहता है, वो क्यों नहीं आया? अरे चार चार ऑफिस संभालता है, टाइम कहाँ है उसके पास? व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरा दामाद भी चार चार ऑफिस संभालता है। तो बेटा मेरी एक बात याद रखना, घर और काम दोनों साथ साथ चलाने पड़ते हैं, क्योंकि घर साइंस से नहीं होम साइंस से चलता है। करेक्ट। कौन बोला? आज कुछ नहीं पता चलेगा। आज सब एक जैसे हैं। चलो हमारे दोस्तों को मिलते हैं। आई मीन ढूंढते हैं। आओ भाभी जी आओ। लो मेरी फ्रेंड्स भी आ गई। चलो मिलवाती हूँ तुम्हें। तुम चलो मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं पंडित जी से मिल के आता हूँ। अरे छोड़ो ना ये सब, चलो मेरे साथ। तुम चलो ना। चलो। अपने हस्बैंड से तो मिलवाओ। अरे हाँ। अपना चेहरा तो दिखाइए। अरे ऐसे क्यों शर्मा रहे हो? मैं दिखाती हूँ, ये है मेरा कुमार। करण? नहीं नहीं, कुछ कंफ्यूजन सी हुई है। वो क्या है कि आपने ना कुमार समझ के मेरा हाथ पकड़ के लिए, मैंने भी नहीं रोका। वो एक्साइटमेंट थोड़ी ना खत्म होनी चाहिए। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.